हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो इसके लिए थैंक यू सो मच। आज हम आपके साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाले हैं जो है मॉनसून मेकअप लुक। मॉनसून में ऑब्वियसली हम लोगों को वाटरप्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स का ही यूज़ करना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे वो सारे प्रोडक्ट्स वाटरप्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे। तो ये वीडियो को आप विदाउट स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकअप से पहले स्किन केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं टोनर। टोनर हमारी स्किन के एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है और हमारी स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है। ये बायोटिक का बायो रोज टोनर है। ये हमने पर्पेल से परचेज किया था। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। अब हम अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र। मॉनसून में हम लोगों को जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करना चाहिए। आप चाहे तो एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अप्लाई कर रहे हैं लिप बाम ताकि हमारे लिप्स ड्राई ना हो। अब हम अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस पे प्राइमर। प्राइमर हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, हमारे मेकअप को और भी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, और मेकअप के केमिकल को हमारी स्किन के अंदर जाने से प्रोटेक्ट करता है। फाउंडेशन के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं लोटस मेकअप का प्रो एडिट सिल्क टच परफेक्टिंग फाउंडेशन। ये फाउंडेशन बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आप चाहें तो मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। वो मैट फिनिश देता है और वो भी बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। डॉट डॉट करके फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हम अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर रहे हैं। कॉम्पैक्ट के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं लोटस मेकअप का इको स्टे लॉन्ग लास्टिंग फेस पाउडर विद SPF 20। ये कॉम्पैक्ट बहुत अच्छे से फाउंडेशन को सेट कर देता है और ये मैट फिनिश भी देता है। अब हम ऑफ कैमरा अपने आईब्रोज को सेट कर लेंगे। सो मैंने आईब्रोज को सेट कर लिया है। अब हम ये कलर बोर्ड के आई शेडो पैलेट से ये वाला रेड कलर ले रहे हैं और इसको अपने आउटर कॉर्नर पर प्लेस करके देन इसको इनर कॉर्नर तक अच्छे से ब्लेंड करते जा रहे हैं। बहुत ही कम अमाउंट में आई शेडो लेके इसको हम अपने क्रीज लाइन के ऊपर अच्छे से ब्लेंड करते जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आई शेडो लेके इसको ब्लेंड करते करते और भी डीपर करना है। हम यहाँ पे ब्रश की मदद से आई शेडो को अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहे तो फिंगर्स की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक फ्लैट ब्रश में सेम आई शेडो को लेके इसको हम अपने लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई करेंगे ताकि हमारा आई लुक इक्वल लगे। इसी तरीके से हम अपने दूसरे आई पे भी अच्छे से आई शेडो को अप्लाई कर रहे हैं। सो मैंने दोनों आईज़ पे ही आई शेडो को अप्लाई कर लिया है। सो काजल के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ये ब्लू हेवन का ब्लू काजल, जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और स्मच प्रूफ भी है। अब हम काजल को अपने आईज़ पे अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं। मस्कारा के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं मेबलिन न्यूयॉर्क का वाटरप्रूफ हाइपर कर्ल मस्कारा। ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है और मानसून के लिए ये मस्कारा बिल्कुल ही परफेक्ट है। अब हम ऑफ कैमरा फॉल्स लैशेज अप्लाई करके आते हैं। सो मैंने लैशेज अप्लाई कर लिया है। अब हम ये शुगर के कॉन्टोर के मदद से अच्छे से अपने फेस को कॉन्टोर कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी हमको कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है, अपने नोज़ पे, अपने चीक्स पे, अपने फोरहेड्स पे और अपने जॉ लाइन पे। मॉनसून के वक्त पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करना ही बेटर होता है। अब हम ये स्विस ब्यूटी के आई शेडो पैलेट से ये पीच कलर ले रहे हैं और इसको एज अ ब्लश हम अप्लाई कर रहे हैं।
अब हम हिलारी डोडा की ये आई शेडो पैलेट से ये शिमरी पीच कलर लेके इसको एज अ हाइलाइटर हम अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं। अब हम सेम पैलेट के सिल्वर आई शेडो के मदद से अपने इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन्स को हाइलाइट कर रहे हैं। यहाँ मैंने दो लिपस्टिक अप्लाई किया है, एक है ब्लू हेवन का और एक है मेबलिन का। ये है लोटस मेकअप का फिनिश अप मेकअप फिक्सर। मेकअप को और भी लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हम अपने फेस पे ये मेकअप फिक्सर स्प्रे कर रहे हैं। सो गाइस, हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको अपना फाइनल लुक दिखाते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आज यूज़ किए हैं, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स ही मैंने पर्पल से परचेज़ किया है। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, ये लुक आपको कैसा लगा हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।